नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैंने एक जमीन खरीदा है लेकिन उसका दाखिल खारिज अर्थात म्यूटेशन नहीं कराया है। सर्वे करने वाले बोलते हैं कि आपका खाता खुल जाएगा, क्या मुझे म्यूटेशन करवाना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह सवाल एक सब्सक्राइबर का है कि मैंने एक जमीन खरीदा है लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं कराया। सर्वे वाले बोल रहे हैं कि खाता खुल जाएगा आपका, तो क्या म्यूटेशन कराना जरूरी है, कराना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपने जब जमीन खरीदा तो उसके बाद की प्रक्रिया है दाखिल खारिज अर्थात म्यूटेशन, और म्यूटेशन आपको कराना ही होता है। तो आपको सर्वे वाले बोले हो या फिर राजस्व कर्मचारी के द्वारा बोला गया हो, अगर म्यूटेशन के लिए आपको बोला गया है तो म्यूटेशन आपको कराना ही होगा। अगर वो नहीं भी बोलते तो भी कराना होता है, क्योंकि जब भी किसी जमीन की रजिस्ट्री आप करवाते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज अर्थात म्यूटेशन। और जब आप म्यूटेशन करा लेते हैं तब आपका एक जमाबंदी कायम हो जाता है। ठीक है, जब आपका जमाबंदी कायम हो गया तो फिर आपका लगान रसीद कटेगा। लगान रसीद कट के आपको मिल गया तब कागजी रूप से आप सशक्त हैं, उसके बाद उस जमीन पर आपका दखल कब्जा होना चाहिए। तो जमीन रजिस्ट्री हुआ तो दाखिल खारिज भी कराना होगा, मतलब म्यूटेशन कराना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।